पैंथर्स देखो ये पुराने डिस्पैड हैं, बिल्कुल खत्म हो गए थे देखो। तो इस चीज का ध्यान देना है, अगर आप इसको नहीं करोगे ना तो फिर प्लेट कटने लग जाएगी, फिर वो नई डलवानी पड़ती है। और मैंने सही टाइम पे लगवा ली वरना मेरी भी प्लेट खत्म होने लग जाती। तो देख लो ये बिल्कुल घिस चुके हैं बिल्कुल, और न्यू कुछ ऐसा आते हैं देखो। हेलो पैंथर्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो आवाज आपको लग रही होगी भारी भारी क्योंकि मेरा गला भी ठीक नहीं हुआ है, तुम्हारे भाई की तबीयत अभी भी खराब है। तो पैंथर्स गोगल लगा लेते हैं क्योंकि अपन चल रहे हैं बाहर, और बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, और बाल देखो तुम्हारे भाई कैसे हो रहे हैं, इधर उधर फैले हुए हैं। तो इतना टाइम नहीं है इनको ठीक कर लूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब बड़े किए हैं तो संभाल लेते पड़ेंगे। तो पैंथर्स अपन बाहर चल रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि अपनी जो पैंथर है उसके रियर डिस्क पैड खत्म हो चुके हैं बिल्कुल, जो अपने रियर ब्रेक होते हैं बैक वाले टायर के, तो बिल्कुल ख़त्म हो गए। वो अपन को डलवाना है आज, तो आज डल जाए तो ठीक है, नहीं तो बाद की तो बात होती रहती है। तो अपन उनको जा रहे हैं डलवाने, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो अपनी MT15 न्यू मॉडल है उसके रियर डिस्क ब्रेक जो होते हैं, वो डिस्पैड जो होते हैं कितने रुपए में आप खरीद सकते हो, और कितने रुपए में वो कितना खर्चा है, क्या क्या है, जो चीज़ है मैं आपको पूरा बता दूंगा। अपन अभी चल रहे हैं। यार ये गड़ा ना बैठ नहीं रहा, मैं बिल्कुल, मैंने सब कुछ बंद कर दिया, दही छाछ दूध घी वो सब कुछ बंद कर दिया मैंने, लेकिन फिर भी ये गड़ा ठीक नहीं हो रहा। और गर्मी ऐसी हो रही है पूछो ही मत, इतनी गर्मी में ठंडा पानी पीने का मन करता है, पर नहीं, सब कुछ तुम्हारे भाई ने कम कर रखा है। तो अब अपन चल रहे हैं बाहर, पैंथर की नहीं मिल रही थी तो उसको ही ढूंढ रहा था मैं, बट मिल जाएगी अभी, कोई बात नहीं हो तो। और एक चीज़ और कहनी थी आपसे, क्या कहनी थी, वो माइलेज टेस्ट की वीडियो अच्छी लगी आपको, तो भाई माइलेज DS 57 की अपनी पैंथर ने, ठीक है, 57 समझ गए, तो बड़ी अच्छी माइलेज दी है। तो अपन चलते हैं बाहर, गर्मी लग रही है, यहाँ पर फैन बंद कर रखा है। तो ये देख लो अपनी पैंथर खड़ी है, चमक रही है बिल्कुल, लेकिन अपन इसको फिर भी साफ करेंगे क्योंकि तुम बाइक की केयर करो, बाइक तुम्हारी केयर करेगी, बाइक से बिल्कुल ऐसे फैमिली मेम्बर की तरह रखो प्यार से, तब जाके तुम वो बाइक कभी धोखा नहीं देगी, वरना बाइक भी धोखा दे देती है अगर तुम केयर नहीं करोगे तो, ठीक है। तो अभी अपन इसको साफ करेंगे, देन निकल रहे हैं, देखते हैं इसके ब्रेक पेड्स कितने के आते हैं। फ्रंट वाले गाइस एक चीज़ और बता दूं, अगर इसके ब्रेक पेड खत्म होएंगे तो वो खत्म होएंगे बैक के, मतलब 4-5 हज़ार के समथिंग ये खत्म हो जाएंगे, और जो फ्रंट के हैं वो नहीं ख़त्म होते, वो तो भाई काफ़ी चलते हैं और वो शायद सस्ते भी आते हैं। तो अभी अपन चल रहे हैं, जब मैं आपको बताऊंगा कितना खर्चा है, ठीक है। एक बार मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ, यार धूप ज़्यादा हो रही है, बट चलना है, फिर शाम को क्या है वो शोरूम बंद हो जाता है, ठीक है। तो अपन निकलते हैं, ठीक है, इसको मैं एक बार साफ कर लेता हूँ, कपड़ा फेर लेता हूँ। तो पैंथर्स अपन आ गए हैं, इसमें डिस्पेड लगवाने, और अजय भैया पे लगवा रहे हैं, अपन खरीद के ले आइए। तो ये आपको ओरिजिनल पड़ जाते हैं भाई 1000 रुपीज़ के पड़ जाते हैं, अगर आप आफ्टर मार्केट लगवाते हो तो 300-400 रुपये के समथिंग आपको मिल जाते हैं, बट ओरिजिनल ये आपको पड़ेंगे भाई 1000 रुपीज़ के। तो अजय भैया कर रहे हैं, देन उसके बाद अपन ये लगवाते हैं, इसमें देख लेना कैसे लगते हैं, आप घर पर भी लगा सकते हो, काफ़ी भाई लगाते हैं घर पे। और देखो कितनी प्यारी लग रही है अपनी पैंथर, बिल्कुल ख़त्म हो गए थे अपने, देखो अभी दिखाता हूँ निकाल के, जब देख पैंथर्स देखो ये पुराने डिस्पैड हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गए थे देखो। तो इस चीज़ का ध्यान देना है, अगर आप इसको नहीं करोगे ना तो फिर प्लेट कटने लग जाएगी, फिर वो नई डलवानी पड़ती है। और मैंने सही टाइम पर लगवा ली वरना मेरी भी प्लेट ख़त्म होने लग जाती। तो देख लो ये बिल्कुल घिस चुके हैं बिल्कुल, और न्यू कुछ ऐसा आते हैं देखो। तो सही टाइम पे लगवा लिया करो गाइस, वरना प्लेट हो जाएगी ख़त्म। ये तो ख़त्म हो गई है बिल्कुल देखो, ये तो यार अपन घर पे भी लगा सकते हैं वैसे, है ना, अगर पिछते हैं, अगर जाम नहीं है तो आप लगा सकते हो। तो भाई इन चीज़ों का ध्यान देना, टाइम पे जो अपने लगवा लेना है, डिस्पैड ख़त्म हो जाए तो। आगे वाला देखो, आगे वाला तो बहुत ज़्यादा हो रहा है देखो, आगे वाला तो मतलब बिल्कुल न्यू है अभी, बिल्कुल थोड़े से भी ख़त्म नहीं हुआ, आपको दिखेंगे नहीं यहाँ से इस तरफ है देखो ये, तो आगे वाला तो बिल्कुल न्यू है, पीछे वाले अपन ने डलवा लिए देखो, और इनका अब कोई काम नहीं, इसको फेंक देते हैं अपन। इधर रख दी भैया मैंने, नहीं कुछ यूज में आया तो मैंने की।
चलो अब कोई टेंशन नहीं है, अपनी पेन करके लग गए ब्रेक पैरों में। और ये कलर कुछ ज़्यादा ही चमकता है यार, देखो पैंथर्स डिस्पैच डल गए। मैंने ओरिजिनल लिए हैं कंपनी से, बट मैंने अजय से डलवाए हैं ताकि फ्री में डला लूँ मैं, क्योंकि फिर लेबर चार्जेस नहीं लगते, एक्स्ट्रा कॉस्ट जो भी लगती, अजय से मैंने फ्री में डला लिए। सिर्फ डिस्पैच का खर्चा हुआ है 1000 रुपये का। तो ये आप भाई सस्ते भी मिल जाते हैं, खूब अच्छे मिल जाते हैं 300-400 रुपये में, बट मेरी न्यू बाइक है तो मैं नहीं चाहता कुछ भी मतलब आफ्टर मार्केट लगवाऊँ मतलब ऐसा कुछ। तो अरे भैया टेस्ट राइड पे गए हैं भाई, देखना कैसे लगे हैं कैसे नहीं। तो पैंथर्स ये आरिफ भाई आए हुए हैं आर्मी में अपने साथ कहीं है। तो एक पैंथर ये रही, एक ये रही अपनी, और ये हंटर है दीपक आया हुआ है, और ये नया दूल्हा है तरबाज भाई आए हुए हैं, चल रहे हैं अब कुछ रील्स वगैरह शूट करेंगे। हैं हाँ इधर के चले तो रील्स वगैरह शूट करेंगे, चल रहे हैं अब, डल गए हैं अपनी में ब्रेक पैड सब, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो दिख रहा है ना ये न्यू है, देखो। तो चलो अब चलते हैं ना। एंथर्स आरिफ भाई का चल रहा है फोटो शूट, देख लो कार उर लगा के पूरी बदमाशी वाली फोटो खिंचवा रहा है साहिल भाई अपना हंटर वहाँ पे लगा दी, हंटर का फेस नहीं दिखा रहे। और ये पेन एम टी यहाँ पर बाज भाई की अपनी हो रही वहाँ पे, और भाई आरिफ भाई के फुल शूट चल रहे हैं। पैंथर्स देखो दोनों कितनी प्यारी लग रही हैं एक साथ खड़ी हैं। हम यहाँ पे रील्स शूट कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम तो आपको पता ही है, आप जाके फॉलो कर सकते हो मुझे वहाँ पे रील्स देखने के लिए, और यहाँ पे शो हो रहा होगा आपको इंस्टाग्राम भी। तो देखो गाइस कितनी प्यारी लग रही है, मुझे दिखाऊंगा। पैंथर्स तुम्हारा भाई आ गया घर, एंड आरिफ भाई आ गया था, वो आर्मी में, वो हमसे बड़ा था 1-1.5 साल, तो वो उस टाइम पे पहले लग गया था, और हमारी एज कम रह गई थी, फिर अग्निवीर आ गया तो हम लग नहीं पाए। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो पैंथर्स अपन ने अपनी बाइक में ब्रेक पैड्स लगवा लिए हैं, और इस चीज़ का गाइस आप भी ध्यान रखा करो, क्योंकि अगर ब्रेक पैड्स ख़त्म हो गए और वो प्लेट उसके टच होने लग जाती है तो लेदर चिपक जाते हैं, उससे आप गिर भी सकते हो कहीं पे, अचानक से लेदर चिपक जाएंगे, टायर बिल्कुल चिपक जाएगा और टायर घूमेगा नहीं, फिर आप गिर जाओगे। और दूसरी चीज़ की आपकी प्लेट कट जाएगी जो कि बहुत महंगी डलेगी, ये नुकसान होगा। इससे अच्छा आप अपने लेदर डलवा लो टाइम से पहले, चेक करते रहो। और दूसरी चीज़ पीछे मैंने आपको कॉस्ट बता दी, पीछे वाले लेदर जो हैं वो आते हैं आपके 1000 रुपीज़ के कंपनी से लगवाओगे तो ओरिजिनल यामा के, और आगे वाले आते हैं 200-250 रुपये के, और अगर आप बाहर से लगवाते हो तो पीछे वाले 300-400 के समथिंग आपको पड़ जाएंगे, वो भी काफ़ी चलते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और आगे वाले तो वही 200 के आते हैं। तो आप आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हो, मैंने तो ओरिजिनल लगवाया क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है अभी अपनी न्यू बाइक है। और एक चीज़ और, कल अपन अपनी बाइक में लगवा रहे हैं वाइजर आगे वाला, काफ़ी भाइयों ने कमेंट किया है भाई वाइजर लगवा लो आगे, तो कल अपन वाइजर लगवाएंगे। एंड अब धीरे धीरे मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो रही है अपनी बाइक की, तो धीरे धीरे मॉडिफिकेशन स्टार्ट करेंगे पैंथर, सिंपल मतलब ज़्यादा कुछ वो नहीं करेंगे, लाल पीली नहीं करेंगे, मुझे पसंद नहीं है, जैसी है वैसी अच्छी लग रही है, बट काफ़ी चीज़ें उसमें ऐड होनी है अभी जिनसे उसकी लुक्स और इंक्रीज़ हो जाएगी और बेटर हो जाएगी, तो वो अपन को करनी है। तो उसके लिए बस आप सपोर्ट बनाए रखो, और वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो जितना हो सके, और बस आप सपोर्ट बनाए रखो, सब कुछ हो जाएगा बढ़िया। तो इसके बाद अपन कुछ महीने बाद, अभी तो नहीं लेकिन कुछ महीने बाद एक लॉन्ग ट्रिप भी प्लान करेंगे, बट अभी नहीं कुछ महीने बाद, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर। तुम्हारा भाई जा रहा मैगी बनाने, तो आपसे मिलते हैं कल, ठीक है। तो तुम्हारा भाई जा रहा मैगी बनाने, मैगी बनाता हूँ मैं बहुत टेस्टी। तो टाटा बाय बाय टेक केयर, लाइक सब्सक्राइब शेयर, ओके। तो गुड नाइट पैंथर्स, बाय।